हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरपीएफ एसआई का 19 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस मैं लेके आ गया हूं। यहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं तीनों सब्जेक्ट के, जीके, मैथ और रीजनिंग के। हम डिस्कस करेंगे यहां पे क्वेश्चन। तो अगर आप चाहते हैं लगातार आपको डेली पेपर एनालिसिस मिलता रहे तीनों शिफ्ट का, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास आफ्टर बेल आइकन ऑन करने के बाद ही पहुंचता है, ठीक है। और इसकी पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो टॉपिक स्टडी का टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक सबसे मेन बात यह है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। लगातार वीडियो अगर आपको लेनी है, डेली आपको रियल क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो अगर आपको लेना है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को, अपने जितने भी ग्रुप हैं उनमें शेयर जरूर करिएगा। तो यहां पर सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की मैं बात कर लेता हूं। एग्जाम पैटर्न की बात यह है कि आपका जीके, मैथ और रीजनिंग तीन अलग अलग पोर्शन में आपका एग्जाम आया है, मिक्स क्वेश्चन नहीं है। जीके में जिसमें आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। साइंस और यहाँ पे करंट अफेयर का पोर्शन कम रहा है, बाकी हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, तो आप पूरी वीडियो को देखिएगा। फिर मैथ की अगर मैं बात करूँ तो 35 क्वेश्चन है, रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी 35 क्वेश्चन है। जीके के कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी, बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछे गए, और कुछ आपके मतलब अच्छे लेवल के पूछे गए हैं, ठीक है, एसएससी लेवल के हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं मैथ की बात करूँ तो कुछ क्वेश्चन बिल्कुल वही पैटर्न रहा है, कुछ क्वेश्चन तो आपके मॉडरेट रहे हैं, कुछ इजी रहे हैं और कुछ हाई लेवल के भी रहे हैं, तो मिक्स क्वेश्चन रहे हैं सारे के सारे। और यहाँ पे मैथ के भी हम डिस्कस करेंगे, रीजनिंग के सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। और रीजनिंग के यहाँ पे 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आपका मतलब अनएक्सपेक्टेड सा पेपर रहा है। पेपर इजी था, बट जो क्वेश्चन हम सोच के नहीं चल रहे थे वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे पूरी वीडियो में, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, आरबीआई की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी, तो इनका सुधा नाम करके कुछ है, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मेन है, क्योंकि मैं जितना जल्दी और जितने ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगा उससे आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि आगे चल के क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। अगर आप अभी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे तो आपके डेफिनेटली क्वेश्चन रिपीट होंगे, ये गारंटी है, लिख लीजिएगा। जब पूरा आपका पेपर होता चला जाएगा तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट होते जाएंगे। और जितना टॉपिक पर आप ध्यान देंगे, यानी कि आरबीआई से क्वेश्चन बना तो आरबीआई को एक बार जरूर देख लीजिए, यहां से क्वेश्चन नेक्स्ट भी बनेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, खुजराहो टेंपल किसने बनवाया, तो राजपूत चंदेल ने बनवाया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोलो गेम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इससे पता चलता है कि गेम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। पोलो गेम से रिलेटेड तो पढ़ के जाइएगा, प्लस आप गेम पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इससे ये पता चलता है। एनालिसिस का मतलब यही होता है कि अगर आप वीडियो को देखते हैं तो पॉइंट देखें कि कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिर उसी पॉइंट को पकड़ लीजिए। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, युवा ओलंपिक कहाँ हुआ, तो अर्जेंटीना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है, वाइस प्रेसिडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए राष्ट्रपति से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ये लिख लीजिए, अभी 100% बनेंगे और भी बनेंगे। 15th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन कौन है, यहाँ पे एनके सिंह, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फादर ऑफ बैक्टेरियोलॉजी, तो रॉबर्ट कोच, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साइंस से भी आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है, और फादर पूछा गया है बैक्टेरियोलॉजी का, तो अदर जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टडी होती है उनके फादर यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। कैपिटल करेंसी से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो कैपिटल करेंसी के 2 से 3 क्वेश्चन थे, और जितने क्वेश्चन अभी पता चले हैं अभी बता दिए, फिर नेक्स्ट सेकेंड शिफ्ट में बताऊंगा और थर्ड शिफ्ट में पूरे दिन का निचोड़ बताऊंगा जितना भी होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर आपका पूछा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन नेतन्याहू, ये कुछ नाम है तो देख लीजिएगा इनको। भारतीय क्रिकेट टीम के चयन समिति के अध्यक्ष कौन है, संदीप पाटिल, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। लोकसभा से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, हाँ एक चीज़ अगर देखी जाए तो यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी इनसे ज़्यादा, यानी कि स्टैटिक जीके से आपका पोर्शन ज़्यादा पूछा जा रहा है, ना कि करंट अफेयर और साइंस, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने देखा एएलपी और ग्रुप डी का जब पेपर चल रहा था तो उसमें साइंस का पोर्शन ज़्यादा था, और किसी किसी पेपर में करंट भी ज़्यादा पूछ ली जाती थी, स्टैटिक पोर्शन नहीं था, बट इसमें स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा है, तो ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी अगर आपने रिवाइज नहीं की है तो कर लीजिएगा, और टेस्ट मैंने अवेलेबल करा दिए हैं, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आरपीएफ एसआई का, वहाँ से परचेज करके उन्हें भी लगा लीजिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की मेनली प्रॉब्लम बता रहे थे बच्चे, जितने बच्चों से भी मेरी बात हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आपका करेंसी ऑफ कनाडा पूछी गई थी, देखिए क्वेश्चन मुझे मिल गया, कनाडा की करेंसी पूछी गई थी, तो कनेडियन डॉलर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, तो ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है।
ये क्वेश्चन दोबारा भी रिपीट हो सकता है, जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। वाइल्ड लाइफ एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ, ये आपसे पूछा गया था, 1972 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन था, फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम पूछा गया था, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इनको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, ये 1918 में हुआ था, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देखिए खेड़ा आंदोलन के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं क्योंकि ये आगे भी रिपीट हो सकता है। खेड़ा आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों द्वारा और गांधी जी का सत्याग्रह का पहला आंदोलन था, यानी कि फर्स्ट सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी का पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह आंदोलन था वो कौन सा था, खेड़ा आंदोलन 1918 में ये गुजरात के खेड़ा जिले से किसानों द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, यहाँ पे साइंस और करंट अफेयर का पोर्शन जैसे मैं बता ही चुका हूँ ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है, तो अभी नहीं पता, अभी तो 3-4 शिफ्ट के बाद पता चलेगा कि साइंस और करंट अफेयर का ज़्यादा पोर्शन है या नहीं है, बट इस पेपर में ज़्यादा करंट और साइंस का पोर्शन ज़्यादा नहीं था। ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल ऑफ असम भी पूछी गई, असम की कैपिटल दिसपुर हो जाएगी, सभी को पता होगा। देखिए कुछ क्वेश्चन इतने आसान भी पूछे गए हैं। तो दोस्तों जीके का था ये पोर्शन, अभी बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में है जो हम मान के चले थे वो बिल्कुल अपोजिट हुआ है। हम मान के चले थे कि जैसे स्टेटमेंट और ये कंक्लूजन वाला कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन आपके नहीं पूछे गए हैं, बस एक या दो क्वेश्चन किसी बच्चे ने बताया है और इस लोग का भी एक से दो क्वेश्चन पूछा गया। वेन डायग्राम से भी एक से दो क्वेश्चन आपको यहां देखने को मिला है। फिर अगर मैं बात करूं कोडिंग डिकोडिंग की, तो एक क्वेश्चन बताया जा रहा है, डायरेक्शन से एक क्वेश्चन बताया जा रहा है, एनालॉजी का कोई क्वेश्चन किसी ने बताया नहीं है। बुलेट रिलेशन से भी एक क्वेश्चन था आपका, क्लॉक कैलेंडर से भी आपका एक क्वेश्चन था, नहीं सॉरी क्लॉक कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं था भाई। हाँ, ये बिल्कुल स्पेसिफिकली एक बच्चे ने बताया कि सर क्लॉक कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं था, तो सॉरी मैंने एक क्वेश्चन बोला, यहाँ पे क्लॉक कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं था, ये मेरे को बताना था आपको स्पेशली। यहाँ पे मतलब हमने मान के चले थे कि क्लॉक कैलेंडर से क्वेश्चन आएंगे। ऑर्डर एंड रैंकिंग के आपके एक से दो क्वेश्चन देखने को मिले हैं, सीरीज से आपके दो क्वेश्चन थे, एक तो आपका अल्फाबेट सीरीज था, एक न्यूमेरिकल सीरीज था। मिसिंग नंबर से भी आपका एक क्वेश्चन था, सिटिंग अरेंजमेंट से आपके तीन और किसी बच्चे ने चार भी क्वेश्चन बताए हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट जो कि अनएक्सपेक्टेड हमने मान के चले थे कि एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, और अच्छे लेवल के जो बैंकिंग लेवल की रीजनिंग होती है जिसमें आपको 10 बंदे यानी कि एक गोला दे दिया या कोई भी मतलब मेज दे दी, उसमें 10 बंदों को आपको सिटिंग कराना था, तो ये काफ़ी मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन था देखा जाए तो। काउंटिंग फिगर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तीन क्वेश्चन आपके काउंटिंग फिगर से थे, एक था आपका ट्रेंगल वाला और भी जो भी मुझे पता चलेगा, एक तो ट्रेंगल वाला था यानी कि काउंटिंग ट्रेंगल काउंटिंग आपको करनी थी उसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा रीजनिंग का पोर्शन। अभी क्वेश्चंस मुझे अच्छे से नहीं मिल पा रहे थे तो मैंने सोचा अभी डिस्कस नहीं करते हैं क्वेश्चंस को, शाम के टाइम पूरे दिन के कलेक्ट करके एक बारी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ में आपका सिंप्लीफिकेशन के एक से दो क्वेश्चन देखने को मिले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है, एवरेज से दो क्वेश्चन थे, नंबर सिस्टम से आपका एक से दो क्वेश्चन था, और यहाँ पे टाइम एंड वर्क जो कि हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मान के चले थे कि टाइम एंड वर्क और पाइपलाइन सिस्टम से क्वेश्चन मिलेगा, तो टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन था, अभी क्वेश्चन नहीं पता चला है, जैसे ही पता चलेगा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जहाँ पे मैं वीडियो बनाऊंगा वो तो ठीक है, अगर आपको वीडियो नहीं मिलती है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, और शेयर कर दिया करें दोस्तों, यही चीज़ होती है जो शेयर और लाइक हमेशा मोटिवेट करती है कि हाँ अभी कुछ अच्छा मैं कर रहा हूँ आपके लिए और आप इसको लाइक शेयर कर रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के दो क्वेश्चन थे, ट्रिग्नोमेट्री से दो क्वेश्चन थे, ज्योमेट्री से आपके दो क्वेश्चन थे। ठीक है, तो यानी कि एडवांस मैथ भी आपके यहाँ पे अच्छी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। हाँ, DI से आपके दो से तीन क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब देखिए DI के हमने एक दो क्वेश्चन मैंने कराया है, बट DI का इतना हमने प्रैक्टिस नहीं की थी, तो अभी मैं ये जो चैप्टर अभी दिख रहे हैं ना आपको जो इंपॉर्टेंट है वो दोबारा से मैं आपको कराने वाला हूँ, तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे हैं जैसे CISI का मैंने बहुत अच्छे से कराया है आपको, 3 से 4 क्वेश्चन CI से देखने को मिले हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन CI से थे, 2 क्वेश्चन SI से थे, परसेंटेज से भी आपके 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने ये एक चैप्टर कराया है, ये भी बहुत अच्छे से कराया है, ट्रेन वाला बहुत अच्छे से कराया है, एक क्वेश्चन है, टाइम स्पीड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ये भी बहुत अच्छे से मैंने कराया है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से कराया है, पाइपलाइन सिस्टम भी, नंबर सिस्टम, एवरेज, ये सारे चैप्टर जो अपने चैनल पे कंप्लीट कराए गए हैं वो सब कुछ यहाँ पे पूछा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि रीजनिंग का पोर्शन इतने अच्छे तरीके से मैंने कवर कराया था, बस एक जगह जो ढील रही थी उसके लिए मैं यहाँ पे माफी भी चाहूँगा कि
सिटिंग अरेंजमेंट पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, उससे क्वेश्चन ज़्यादा आ गए। बट कोई बात नहीं है, अभी सिटिंग अरेंजमेंट भी कर लेंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आप हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, जो भी आपका डाउट होगा कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। और प्लीज़ आपका जो भी मतलब एग्जाम को दे के आ रहा है क्वेश्चन भी बताते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।